हेलो गाइस, आज एक न्यू वीडियो के साथ वापस। तो गाइस, आज है दृश्यम 2 का बॉक्स ऑफिस में डे 42। वही जानेंगे कि आज ये कितना क्रॉसिंग करती हुई नजर आ रही है। भाई इसका टोटल कितना क्रॉसिंग हो चुका है, वही आज मतलब कितना इसने अभी तक मतलब जो रिकॉर्ड है वो कितने ब्रेक कर लिया, कौन सा रिकॉर्ड अभी ये ब्रेक करने के बिल्कुल पास पहुंच चुकी है। वही इसका टोटल बॉक्स ऑफिस में कितना क्रॉसिंग हो चुका है इंडिया में प्लस पूरे ओवरसीज में, इंडिया ग्रॉस में इतना इसका कितना क्रॉसिंग हो चुका है, वही स्टेट में इसने कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा क्रॉसिंग किया है वो इसकी बात करेंगे आगे। उससे पहले जब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले डे बाई डे की बात कर लेता हूं, यानी सिक्स वीक यानी इसका लगभग आज कंप्लीट होने वाला है। डे बाई डे की बात करूं यानी मैं लगा सकते हो कि आपने फर्स्ट डे यानी बात करूं फ्राइडे की, तो इसने केवल 55 लाख क्रॉसिंग किया था। बात करूं मैं आगे डे 37 इसने 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ क्रॉसिंग किया। आगे बात करूं मैं डे संडे की, तो इसने 1.67 करोड़ क्रॉसिंग किया। बात करूं मंडे की, तो मंडे इसने 80 लाख क्रॉसिंग किया। बात करूं मैं ट्यूजडे की, तो इसने 70 लाख क्रॉसिंग किया। वही बात करूं मैं यस्टरडे की यानी बात करूं मैं वेडनेसडे की, यार तो भैया कल मैंने बताई थी प्रेडिक्शन अपनी 60 से लेके 65 लॉ के बीच में जो हमें मूवी क्रशिंग करते हुए नजर आ सकती है। मैंने यस्टरडे को आप सभी को बोला था व्हाट यार, मतलब जो तुम्हारे वाई ने प्रेडिक्शन बताई थी यार वो बिल्कुल रॉन्ग हो गई। जी हाँ गाइज, इस मूवी का जो अर्ली एस्टिमेट अभी आ रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो आ रहा है 70 लाख। जी हाँ गाइज, 70 लाख वेडनेसडे यानी कल इसने मतलब अपने सिक्स डे यानी अपने सिक्स वीक के सिक्स डेज में लगभग 70 लाख क्रॉसिंग करती हुई नजर आ रही है। इसमें आप ला सकते हो कि 2 या 3 लाख ऑफकोर्स प्लस माइनस इंक्रीज हो सकते हैं, बट यार 70 लाख मैंने नहीं सोचा था। और कल की अगर इसकी ऑक्युपेंसी की बात करें तो माननीय में इसने 7.72% ऑक्युपेंसी के साथ ओपनली यानी सैटरडे मंडे ट्यूजडे और सैटरडे मंडे हो गया ट्यूजडे हो गया, इसके फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब इस वीक मूवी ने 8% से नीचे इसकी ऑक्युपेंसी आई है। भाई आफ्टरनून शोज में इसकी 13% रही, बात करूं मैं इवनिंग शोज में लगभग इसकी 17% रही, बात करूं मैं नाइट शो में इसकी लगभग 15.77% ऑक्युपेंसी रही। यानी मैं कंपेयर करूं यस्टरडे की, तो थोड़ी इसकी थोड़ी मतलब लगा सकते हो कि मतलब नीचे आई है, बट इतनी कम नहीं आई है कि मूवी जो उसका जो पिछला जो लगा सकते हो जो ट्यूजडे से क्रॉसिंग किया था वो अच्छा खासा मतलब बैड नसरे को ड्रॉप देखने को मिले। बात करूं मैं मतलब सिटी वाइज की, तो मुंबई में इसके पास 170 शोज हैं, तो ओवरऑल ऑक्युपेंसी कल यस्टरडे लगी लगभग 15%। बात करूं मैं दिल्ली एनसीआर की, तो 254 शोज। जी हां गाइस, अब लास्ट तो जिसके पास मंडे में मतलब एनसीआर में केवल 204 शोज, उसके बाद मंडे ट्यूजडे 249 शोज, ऑफ कोर्स बैड नसरे को 5 शोज इंक्रीज हुए है 254 शोज। यार क्या कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा। ओवरऑल 10% ऑक्युपेंसी रही। बात करूं मैं पुणे की, तो 103 शो में यार 18% ऑक्युपेंसी रही। यार अगर आगे बात करूं मैं बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में इसके लगभग 26 शो में इसकी ओवरऑल ऑक्युपेंसी लगभग 32% रही। और भाई आगे बात करूं मैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में 6 शोज में इसकी लगभग 30% ऑक्युपेंसी रही। और बात करूं मैं आगे हैदराबाद कोलकाता की, तो 15 शो में इसकी 36% ऑक्युपेंसी रही। और आगे बात करूं मैं अहमदाबाद की, तो 126 शो में इसकी ओवरऑल 10% ऑक्युपेंसी रही। बात करूं मैं चेन्नई की, तो 3 शो में 36% ऑक्युपेंसी रही। आगे बात करूं मैं सूरत की, तो लगभग इसकी 48 शो में ओवरऑल 6% रही। बात करूं मैं जयपुर की, तो 30 शो में ओवरऑल 12% रही। और बात करूं मैं आगे भोपाल की, तो भैया भोपाल में 22 शो में 7% रही। बात करूं मैं चंडीगढ़ की, तो 33 शो में इसकी ओवरऑल 10% रही। बात करूं मैं लखनऊ की, तो 48 शो में केवल 13% ऑक्युपेंसी रही। और मैं बात करूं मैं इसकी कल की, मैंने बताया लगभग 70 लाख अर्ली एस्टिमेट का क्रॉसिंग निकल के सामने आया। मैं टोटल की बात करूं, टोटल इसका कितना हो चुका है, तो अगर कल लगा सकते हो कि मेरी यस्टरडे यानी वेडनेसडे रिकॉर्ड लगभग ये मूवी 70 लाख के आसपास क्रॉसिंग करती है, तो भैया इसका पूरा बॉक्स ऑफिस टोटल इंडिया नेट क्रॉसिंग की बात करूं तो 230 करोड़ और 15 लाख क्रॉसिंग हो जाए इंडिया नेट में। जब मैं बात करूंगा ग्रॉस की, तो ग्रॉस का लगभग 272 करोड़ हो जाएगा। और भाई मैं पूरा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस क्रिएशन की बात करूंगा, इसका लगभग 329 करोड़ 11 लाख हो जाएगा। व्हाट मैंने वर्ल्ड वाइड में यस्टरडे का ऐड नहीं किया यानी वेडनेसडे का इसमें ऐड नहीं किया, तो देखा जाए यार मूवी अच्छा खासा धमाल मचा रही है। यानी मूवी ने कसम खा लिया भैया यार, सर्कस को तो मतलब धूल चटा के ही रख देगी चाहे कुछ भी हो जाए। भाई यार देखा जाए तो भैया मेरे एक शौक लगा मेरे को यार मुंबई, यार मैं मुंबई में इसके पास शोज कम है दिल्ली एनसीआर के मामले में। अगर मैं मतलब अगर मैं देखूँ ना मैं सबसे ज़्यादा कौन सी मतलब क्रॉसिंग किया इसने, तो यार मुंबई में इसने ओनली 76 करोड़। जी हाँ, जो 230 करोड़ इसने क्रॉसिंग किया उसमें से मुंबई में इसने 76 करोड़ सिर्फ मुंबई से क्रॉसिंग किया। भैया
आपके आगे बात करूं मैं एनसीआर की, तो एनसीआर एंड यूपी यानी दिल्ली एंड यूपी दोनों को ऐड करके ओनली मूवी ने 46 करोड़ क्लच किया। तो भैया मुंबई वाले पैसे के मामले में नंबर वन पर है। और बात करूं मैं कौन सा भी मूवी जो कौन सा भी रिकॉर्ड है जो बिल्कुल करीब पहुंची है तोड़ने में, यानी बात करूं मैं इस साल की काफी ओल्ड में जाऊंगा, बट कुछ पब्लिक बोलेगी यार मतलब चेन्नई एक्सप्रेस है तो आपने मतलब खुल के बोला था, बट भैया वो बॉलीवुड के किंग है, किंग खान है, उनका बताना तो जरूर बनता है। जब उनकी मूवीज का कोई मूवी रिकॉर्ड तोड़ती है तो यार वो तो बताना जरूरी होता है। और बात 2022 की मूवी की हो रही हो तो रिकॉर्ड भी 2022 का मतलब मूवी का रिकॉर्ड तोड़े तो मजा भी तभी आता है गाइज। तो सबसे पहले मैं इसकी बोलूँ दी कश्मीर फाइल्स, यहाँ उसका रिकॉर्ड बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। और मैं कश्मीर फाइल्स का नेट क्लश की बात करूँ तो उसने लगभग 252 करोड़ के आसपास क्लश किया था भाई, इसका लगभग 230 हो गया, लगभग इसको 22 करोड़ से ज्यादा क्लश करना होगा, बट मंजिल काफी दूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वर्ल्ड वाइड क्लश की बात करो लगभग 340 करोड़ से ज्यादा क्लश किया था भाई, इसका लगभग 329 करोड़ हो गया, यानी इसको 11 करोड़ से ज्यादा क्लशन करना होगा, बट यहां भी देखा जाए तो मंजिल भी दूर है लेकिन ला सकते केवल इसको 11 करोड़ के आसपास क्लशन करना होगा, बट अभी के टाइम में दृश्यम 2 को 11 करोड़ क्लशन करना होगा, यानी 100 करोड़ प्लस क्लशन करना ऐसा इसको लगेगा अभी। लेकिन यार दृश्यम 2 जिस तरह से धमाल मचाया मतलब कुछ भी नहीं बोल सकता। वैसे थैंक यू सो मच दृश्यम 2, थैंक यू आयदेव सर एंड स्पेशली अभिषेक पाठक, मतलब जिस तरह उनकी मूवीज 2022 इसने धमाल मचाया। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको 6 वीक में हिंदी इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड की तरफ से ये मूवी 6 वीक में सबसे ज्यादा क्लशन करने वाली मूवी बन गई है भाई। इसका 7th वीक आज यानी लास्ट दिन है इसका, 6 वीक का भाई क्लियर हो जाएगा इसने 6 वीक में कितना क्लशन किया, लगभग 5.5 से 6 करोड़ के बीच में हमको क्लशन करती हुई नजर आ रही है भाई कल यानी जस्ट यानी 7th वीक टुमारो को इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब 7th वीक यानी 50 दिन में थिएटर में टिकना गाइस बहुत बड़ी बात होती है। ऑफ कोर्स मैंने बताया आपको सर्कस को भैया ऑलरेडी ये धूल चिटा चुकी है, यानी सर्कस मतलब बॉक्स ऑफिस में पिट चुकी है भाई। ये मूवी अभी भी मतलब लगा सकते हो 42 चल रहा है, 43 यानी 6 वीक चल रहा है, लेकिन अभी इसके पास 800 से ज्यादा शोज लिए है इस मूवी ने गॉयस, मतलब अपोसाइड अवतार 2 है फिर भी धमाल मचा रही है। फिलहाल देखते हैं कितना कहां तक जा पाती है ये मूवी। बाकी जोड़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से कर लो सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।